लेसन टू में हम तीन मेजर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम एथिक्स की डिफरेंट थेरीज को देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट प्रोफेशंस ने एथिकल कोड क्यों डेवलप किए और इन सब के कोड में कॉमन थीम क्या थे। और आखिर में हम एथिक्स की साइकोलॉजी के प्रोफेशन में डिटेल्ड हिस्ट्री देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वन, थेरीज ऑफ एथिक्स। जैसा कि हमने देखा था कि एथिक्स इज द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ मोरालिटी, और थ्रू आउट इसकी हिस्ट्री में जिस चीज़ को समझने की कोशिश की जाती रही वो मॉरल क्वालिटीज़ को डिस्कवर करना था, और टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। इसके अलावा मॉरलिटी और मॉरल जजमेंट की नेचर और स्कोप से मुतल्लिक बहुत से सवालात के जवाब तलाश किए जाते रहे, मसलन वेदर मॉरल जजमेंट आर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और मेरली एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, हाउ मॉरल फैक्ट कैन बी नोन। आया कि एक सिंगल मॉरलिटी सारे लोगों और सारी सोसाइटी पर एप्लीकेबल है या नहीं, एंड वेदर देयर इज अ कंपेलिंग रीजन टू बिहेव मॉरली एट ऑल टाइम्स, इवन इन अ सिचुएशन वेर वी कैन गेन समथिंग बाय बिहेविंग इमॉरली। बहुत सारे फिलोसफर्स और थेरिस ने इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की और बहुत सी थेरिस प्रेजेंट की। हर थेरिस ने एथिक्स को अपने व्यू पॉइंट से एक्सप्लेन किया, लेकिन हम एथिक्स से रिलेटेड थेरिस को टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज एथिक्स ऑफ कंडक्ट एंड नंबर टू इज एथिक्स ऑफ करेक्टर। एथिक्स ऑफ कंडक्ट, जैसा कि इसका नाम आपको बता रहा है कि ये हमारे कंडक्ट और एक्शन से रिलेटेड है। इनमें जो मेजर थेरीज एथिक्स ऑफ कंडक्ट के अंडर आती हैं वो कॉन्सिक्वेंशनलिज्म और डियोन्टोलॉजी है, जिनमें फर्दर बहुत सी थेरीज को हम डिस्कस करेंगे। एथिक्स ऑफ करेक्टर की थेरीज ह्यूमन बींग के करेक्टर और वर्चुअल से रिलेटेड हैं, जिनमें एरिस्टोटल की थेरी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो अब हम इन सब थेरीज को बारी बारी आगे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने एथिक्स से रिलेटेड क्या व्यूज दिए। तो आइए सबसे पहले हम एथिक्स ऑफ कंडक्ट की थेरीज को डिस्कस करते हैं। एथिक्स ऑफ कंडक्ट थेरी फोकस ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शन वन शुड परफॉर्म। टू मेजर थेरीज रिलेटेड टू एथिक्स ऑफ कंडक्ट आर कॉन्सिक्वेंशनलिज्म एंड डियोन्टोलॉजी। वी विल डिस्कस टू थेरीज रिलेटेड टू कॉन्सिक्वेंशनलिज्म, एथिकल ईगोइज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म, एंड देन वी विल डिस्कस डियोन्टोलॉजी एंड कैन थेरी रिलेटेड टू इट। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की थेरी क्या है। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, इट इज़ अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शन। इट इज़ कॉमन फॉर अस टू डिटर्मिन आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय वेनिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शन। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के मुताबिक करेक्ट मॉरल कंडक्ट इज डिटर्मिन्ड सोलली बाय अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ एन एक्शन कॉन्सिक्वेंसेज। यानी कि हमारे बिहेवियर को कॉन्सिक्वेंसेज से जज किया जाता है कि आया कि हमारे एक्शन का कॉन्सिक्वेंस या आउटपुट क्या था, और इस आउटकम की बेस पर हमारे किरदार की मोरालिटी को जज किया जा रहा होता है। इस थेरी के मुताबिक कोई भी एक्शन तब मॉरली राइट होगा जब उसके नतायज फेवरेबल होंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये थेरी का फोकस इस बात पर नहीं है कि एक्शन सही था कि नहीं था, बल्कि उसका नतीजा सही था कि नहीं था। ऑल्दो इस थेरी पर बहुत से ऑब्जेक्शन भी आए कि हम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पहले से श्योर नहीं हो सकते, लेकिन साथ ही साथ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आए कि हमें एक्शंस बेस्ट पॉसिबल नॉलेज के साथ लेना चाहिए और उसके नतायज क्या होंगे ये हमें आइडिया होना चाहिए। तो इन थेरीज ने ये कहा कि इट इज़ द गुड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शन विच शुड बी कंसिडर्ड। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि गुड को कैसे डिफाइन किया जाए। तो इसके जवाब में एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थेरी हमारे सामने आई जो कि यूटिलिटेरियनिज्म है। सो लेट्स सी द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म थेरी। इस थेरी को मिल के एथिकल थेरी भी कहा जाता है। द टर्म यूटिलिटेरियनिज्म वॉज कंसीव्ड इन द 19th सेंचुरी बाय जेरेमी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। इसके नाम से जाहिर हो रहा है यूटिलिटेरियनिज्म इज अबाउट द यूटिलिटी एंड इज कंसर्न्ड विद द यूटिलिटी और यूजफुलनेस। सो इस थेरी के अकॉर्डिंग वो एक्शंस चूज करने चाहिए जो कि ओवरऑल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं, सच एज प्रमोटिंग प्लेयर। सो अकॉर्डिंग टू दिस थेरी द गुड और बेस्ट एक्शन इज द वन दैट लीड्स टू द ग्रेटर अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये थेरी कहती है कि कोई भी एक्शन अगर हैप्पीनेस को प्रमोट करता है
तो वो अच्छा होगा, और अगर वो सैडनेस या पेन की तरफ लेकर जाएगा तो वो बुरा होगा। मसलन अगर एक ऑफिस में आप वो एक्शन लेते हैं जिनसे ऑफिस का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो सकता है और वहाँ पर कोवर्कर ईज फील कर सकते हैं, तो आप यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं। अब हम कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की दूसरी थ्योरी इगोइज्म पर बात करेंगे। जैसा कि यूटिलिटेरियनिज्म में हमने देखा था कि हमें वो एक्शन लेने चाहिए जो सबके लिए बेहतर हो एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, जबकि इसके बरक्स इगोइज्म की थ्योरी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मोरालिटी ऑफ एन एक्शन इज डिटर्मेंड बाय द इम्पैक्ट ऑन योर सेल्फ। एज इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इट्स नेम, द टर्म इगोइज्म इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग आई और माई सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आई मॉरली ऑट टू परफॉर्म सम एक्शन इफ एंड ओनली इफ एंड बिकॉज परफॉर्मिंग दैट एक्शन मैक्सिमाइज माई सेल्फ इंटरेस्ट। सो इस थेरी में जो प्राइमरी प्रिंसिपल है वो सेल्फ इंटरेस्ट का है। दिस थेरी होल्ड दैट मॉरल कंडक्ट ऑट टू बी जज थ्रू सेल्फ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एक्शन को तब एथिकल समझा जा सकता है जब वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फायदा पहुंचाए जो कि कोई एक्शन ले रहा है। इक्विस्ट आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल नो बेस्ट हाउ टू बेनिफिट हिज ओन सेल्फ। अगर हर कोई दूसरों की वेलफेयर के लिए काम करता रहेगा तो दे आर नेवर वर्किंग फॉर देयर ओन गुड। नाउ वी विल डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ इगोइज्म। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी इन डिफरेंट कैटेगरीज को, ये क्या है और इनका मेजर कॉन्सेप्ट क्या है। द वन इज साइकोलॉजिकल इगोइज्म। इगोइज्म की ये कैटेगरी कहती है कि ह्यूमन आर नेचुरली मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, आर साइकोलॉजिकली इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग दैट डज नॉट प्रमोट देयर सेल्फ इंटरेस्ट। यानी कि वो नफसियाती तौर पर ही कुछ ऐसा करने से कासिर होते हैं जो उनके उनके जाती मफाद को फरोग नहीं देता, और वो नेचुरली अपने सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड होते हैं। सेकेंड कैटेगरी इज एथिकल इगोइज्म, विच स्टेट्स दैट ह्यूमन हैव अ चॉइस और अ ड्यूटी टू एक्ट आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। एथिकल इगोइज्म इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। वन इज इंडिविजुअल एथिकल इगोइज्म, विच इज कंसर्न दैट एवरीवन ऑट टू सर्व माई बेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट ओनली। एंड द सेकेंड इज यूनिवर्सल एथिकल इगोइज्म, विच स्टेट्स दैट एवरीवन ऑट ऑलवेज टू डू दोज एक्ट्स दैट विल सर्व हिज और हर ओन बेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट इवन वेन इट कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ अदर। ताहम ये थेरी हर किस ये नहीं कहती कि दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए या उनको उनके राइट्स ना दिए जाएं, बल्कि इसका मेन फोकस ह्यूमन की सेल्फ इंटरेस्ट पर है कि ह्यूमन बीइंग को अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज मिनिमलिस्ट इगोइज्म, जो कि कहती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट दिया जाए और कम से कम लॉस हो। सो अभी तक हमने एथिक्स ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड कुछ थेरीज देखी थी। कॉन्सिक्वेंशनलिज्म जो कि एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस पर फोकस करती है, जिसके अंडर हमने देखा कि यूटिलिटेरियनिज्म की थेरी आती है जो कि कहती है एक्शन तब अच्छे होंगे जब वो सबके लिए हैप्पीनेस लेकर आएंगे, और इसके कॉन्ट्ररी हमने इगोइज्म की थेरी देखी थी जो कि कहती है एक्शन तब अच्छे होंगे जब वो किसी अपनी जात को फायदा पहुंचाएंगे। सो नेक्स्ट हम एथिक्स ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड दूसरी ब्रॉडर थेरी को डिस्कस करेंगे जो कि डियोन्टोलॉजी है। एज इट नेम्स इंडिकेट, द टर्म डियोन्टोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड डियोन, जिसका मतलब है ड्यूटी, एंड लॉगस मीनिंग स्टडी या साइंस। सो डियोन्टोलॉजी इज अ साइंस और स्टडी ऑफ ड्यूटी। ये थेरी हमारे एक्शन और इंटेंशन दोनों को देखती है जिनकी बेस पर मोरालिटी को डिटरमिन किया जा सके। डियोन्टोलॉजिकल थेरीज फोकस ऑन ड्यूटीज और प्रिंसिपल, यानी कि एथिकल एक्ट के साथ हमारी कमिटमेंट को देखती है। ये ड्यूटीज एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, इमटीरियल नहीं होती, बल्कि किसी पर्सन या ग्रुप की तरफ हो सकती हैं। मसलन दीज ड्यूटीज कैन बी टूअर्ड वन सेल्फ, फैमिली, कम्युनिटी, नेशन और टू ह्यूमैनिटी। सो ये थेरी कहती है कि इंसान को अपनी ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस को पूरा करना चाहिए जब भी वो कोई डिसीजन ले रहे हो। अपहोल्डिंग वंस ड्यूटी इज वॉट इज कंसिडर्ड एथिकली करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ डियोन्टोलॉजिस्ट विल ऑलवेज कीप हिज प्रोमिस टू फ्रेंड। वन थेरी विच इज ड्यूटी बेस्ड एंड कंसर्न विद डियोन्टोलॉजी इज कैंटियनिज्म।
which was given by Kant. Let's discuss the Kantianism or Kant theory of ethics. ये थ्योरी हमारे एक्शन को देखती है, हमारी विल और हमारी इंटेंशन को देखती है, ना कि कॉन्सिक्वेंसेस को देखती है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मॉरल गुड कंसिस्ट नॉट इन द रिजल्ट बट इन द इंटेंशन. एक्शंस एंड इंटेंशन मैटर मोर देन द कॉन्सिक्वेंसेस. सो आपकी इंटेंशन क्या थी और क्यों थी, इस थ्योरी का मेजर फोकस इस बात पर है. मसलन, अगर आप किसी बूढ़ी खातून को सड़क पार कराने में उसकी मदद कर रहे हैं क्योंकि आपको उस पर तरस आ गया, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो मॉरल एक्ट नहीं होगा. और अगर आप ये मदद इसलिए करते हैं कि आपके दोस्तों में आपका इम्प्रेशन अच्छा बनेगा, तब भी ये मॉरल एक्ट नहीं होगा. अलबत्ता, अगर आप मदद इसलिए करते हैं कि आप समझते हैं कि बूढ़ों की मदद करना आपका फर्ज है, ये आपकी ड्यूटी है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मॉरल एक्ट कहलाएगा. एक मेजर वजह जिसकी बेस पर कैंट ने कॉन्सिक्वेंसेस से ज़्यादा ड्यूटीज और इंटेंशन पर बात की, वो ये थी कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. हम नहीं जानते कि हम जो एक्शन लेंगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक्शन और इंटेंशन हमारे कंट्रोल में है. सो कैंट नोटेड दैट इट इज़ एवरीवन्स ड्यूटी टू एक्ट आउट ऑफ गुड विल. कैंट की ये थ्योरी चार प्रोपोजिशन पर बेस्ड है, तो हम देखते हैं कि वो चार प्रोपोजिशन कौन सी हैं. नंबर वन इज, इट इज़ आवर इंटेंशन और विल दैट मेक अस मॉरली गुड, जिस पर हमने पहले भी बात की थी कि ये थ्योरी इंटेंशन पर फोकस करती है, कि हमारी इंटेंशन हमें मॉरली गुड बनाती हैं. सेकेंड वन इज, आवर विल मस्ट बी मोटिवेटेड बाई द ड्यूटी, यानी कि हमारी विल सेंस ऑफ ड्यूटी से मोटिवेट होनी चाहिए. ड्यूटी मीन्स रिस्पेक्टिंग मॉरल लॉ, जो भी आपके इलाके कानून बने हैं उनके रिस्पेक्ट करें. द मॉरल लॉ इज बेस्ड ऑन कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव. कैंट के नज़दीक हमारी ड्यूटीज कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव से डिटर्मिन होती हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है क्या. सो एन इम्पेरेटिव इज बेसिकली अ कमांड. मसलन, ये वो ऑर्डर्स या कमांड हैं जो कि हमें पूरी करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, पे योर टैक्स, डू नॉट किल द एनिमल, ये वो अनकंडीशनल असूल हैं जो कि हमें बगैर किसी कुदरती ख्वाहिश के फॉलो करने चाहिए. अ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव बाइंड्स अस रिगार्डलेस ऑफ आवर डिजायर. एवरीवन हैज अ ड्यूटी नॉट टू लाई रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड इवन इफ इट इज आवर इंटरेस्ट टू डू सो. मसलन, हो सकता है कि हमारी नेचुरल डिजायर ये हो कि हम टैक्स अदा ना करें क्योंकि इससे हमारा फायदा है, लेकिन कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव हमें ये कहेंगे कि डू नॉट चीट ऑन योर टैक्स एंड पे योर टैक्सेस. सो एथिक्स ऑफ कंडक्ट की थेरीज के बाद हम एथिक्स ऑफ करेक्टर की थेरीज को डिस्कस करेंगे. दीज थेरीज आर कंसर्न विद व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन शुड वी बी. इस एथिक्स से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट थेरी वर्चू एथिक की थेरी है. वर्चू की टर्म ग्रीक लव्स एरेटे और लेटिन वर्ड वर्चूस से निकली है. एरेटे का मतलब है एक्सीलेंस और वर्चुअस का मतलब है मैनलीनेस, यानी कि बहादुरी. इन वर्चुअल एथिक थ्योरी, इट इज़ नॉट द एक्शन और द कॉन्सिक्वेंसेस दैट आर एवेल्युएटेड बट द पर्सन इज इन क्वेश्चन. सो यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि लोग क्या करते हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि लोग कौन हैं, कैसे हैं. ये थ्योरी इंसान के किरदार और उसकी खूबियों और अच्छी शख्सियत पर फोकस करती है, और बहुत सी ट्रेट्स मसलन बहादुरी, हौसला, हिकमत, हिम्मत, हमदर्दी वगैरह को बिल्ड करने पर जोर देती है. द ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस इज द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन. इन क्वालिटीज में ना सिर्फ हमारी जिस्मानी खूबियाँ आती हैं बल्कि गैर मादी खूबियाँ भी आती हैं, मसलन इंसान की एबिलिटीज, उसके इंटेंशन और मोटिवेशन वगैरह भी. इस थ्योरी के मुताबिक इंसान की ट्रेट्स और वर्चुअस डिटर्मिन करती हैं कि कोई भी इंसान मॉरली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में कैसे एक्ट करेगा. सो वर्चू की थ्योरी किसी इंसान के एक्शन को नहीं बल्कि उसके करेक्टर को देखती है. इसके अलावा इंसान का अहलाक, उसकी रेपुटेशन और मोटिवेशन को भी कंसीडर करती है. मिसाल के तौर पर, अगर किसी शख्स ने कोई आर्टिकल लिखते हुए कोई एक पैराग्राफ प्लेजराइज कर लिया या किसी सोर्स से कॉपी पेस्ट करके उठा लिया जो कि दूसरे शख्स को पता चल गया, तो दूसरा शख्स अगर उसको अच्छी तरह जानता है तो उसके किरदार को समझेगा और उसके मुताबिक फैसला करेगा. सो अगर पैराग्राफ चुराने वाला वो शख्स आम तौर पर
असूलों पर अमल करता है, अपने दोस्तों के साथ अच्छा रवैया रखता है, तो हो सकता है कि चोरी को पकड़ने वाला वो शख्स उसके साथ नरमी से पेश आए और ये सोचे कि शायद ये राइटर रात को बहुत देर तक जागता रहा, बहुत देर तक काम करता रहा, और ऐसे में उसको वक्त नहीं मिला कि वो ओरिजिनल राइटर को क्रेडिट दे सके, वो सोर्स को साइट कर सके। लेकिन इसके बरक्स, अगर कोई ऐसा शख्स जिसकी रेपुटेशन अच्छी ना हो, उसने प्लेजरिज्म की हो, तो उसके रवैये को बुरा समझा जाएगा। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सी मिसालें देखते हैं कि जिस शख्स का किरदार अच्छा हो, अच्छी खूबियाँ रखता हो, हम उनके बुरे अमाल को जानकर बहुत जल्द उनके बारे में फैसला नहीं करते, बल्कि कोई ना कोई रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। हेंस अभी तक हमने देखा कि सारी थेरीज ने मोरालिटी पर जोर दिया। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट ने कहा कि हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस हमारे रवैयों को मॉरल या इमोरल होने की इंडिकेशन देते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म ने कहा कि अच्छा रवैया वो है जिसमें सबको फ़ायदा पहुँचे। इगोइज्म ने कहा गुड कंडक्ट वो है जिसमें इंसान की अपनी जात को फ़ायदा पहुँचे। और इसके साथ ही हमने देखा कि डियोन्टोलॉजी के थेरिस्ट ने कहा कि अपनी ड्यूटीज़ को निभाना और उनको समझना मॉरेलिटी है। और आखिर में हमने देखा कि एरिस्टोटल की थेरी ने कहा कि इंसान का अच्छा किरदार और ट्रेट्स उसकी मॉरेलिटी या एथिक्स ऑफ बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं। लिहाजा इनमें से कोई भी थेरी 100% परफेक्ट नहीं है। हर थेरिस्ट ने अपना व्यू पॉइंट बताया और कहीं ना कहीं ये सब व्यूज़ हमारी असल ज़िंदगी में भी एप्लीकेबल होते हैं। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि व्हाई डू डिफरेंट प्रोफेशंस नीड टू डेवलप कोड ऑफ एथिक्स।